एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ अभी बाहर। मैंने आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे और देखें कि मैंने क्या सरप्राइज़ प्लान किया है। सो लेट्स गो। यहाँ निकल चुकी हूँ मैं घर से और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है, तो वीडियो में बने रहे और देखे आगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं पैंटालून्स, जो कि पहले था सेंट्रल मॉल। और ये रहा वो शिवसागर जहाँ पे खाने के लिए बहुत लंबा क्यू लगता है। और यहाँ जा रही हूँ मैं वो सरप्राइज दिखाने जिसकी बात मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं बैंगलोर कितना खूबसूरत है, ग्रीन है, यहाँ के घर इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे से होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं। और आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। और ये एक रेसिडेंशियल एरिया है जो कि बहुत ही शांत नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ हम जा रहे हैं आगे JB नगर, तो वीडियो में बने रहे। आपको आगे मिलेगा CCTV जो कि ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे तक खुला रहता है और ये बैंगलोर का सबसे बेस्ट मुझे लगता है CCTV। और मेरे लेफ्ट साइड आप देख रही है कन्वेंशन हॉल जहाँ पे पार्टीज, फंक्शंस, शादियाँ होती है। और यहाँ हम निकल चुके हैं आपको सरप्राइज देने, तो बस बने रहे वीडियो में, अभी आपको बस सरप्राइज मिलने वाला है। और ये जो सामने आप शॉप देख रहे हैं ये होम डेकोर का शॉप था जो कि बहुत ही प्यारा था, तो मैंने इसे भी शूट कर लिया। सरप्राइज मैं आपको दिखाऊंगी कन्नड़ा सुपरस्टार का घर, सुपरस्टार पुनीत का घर, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कन्नड़ा सुपरस्टार सुदीप का घर। तो वो है मेरे पीछे कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत का घर। फिलहाल सुदीप थे नहीं, वो गए थे चेन्नई शूटिंग के लिए। ये जयनगर का CCD जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत है, आपको ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे तक खुला रहता है। सुदीप के बॉडीगार्ड से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो गए हुए शूटिंग के लिए चेन्नई। और ये सामने आप देख रहे हैं रागी गुड्डा टेम्पल। और जी आप स्टेचू देख रहे हैं ये पहाड़ से काट कर बनाया गया जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने इसे भी शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और यहाँ निकल चुकी हूँ मैं कॉफ़ी पीने, तो आइए चलते हैं मेरे साथ और पीते हैं फिर से फ़िल्टर कॉफ़ी, क्योंकि बैंगलोर में सिर्फ फ़िल्टर कॉफ़ी ही मिलता है। और सामने आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर पार्क है, ये पूरा लेन ही पार्क है। आई मीन उस साइड रोड है, इस साइड रोड है एंड बीच में पार्क। और ये रहा फिर से एक और रिलायंस स्टैंड जो कि खाली रहता है हमेशा। और ये है वो अंकल जो कि चाय के बहुत फोन पर बात कर रहे हैं। ये है गोपालन मॉल और अभी मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, तो आइए चलते हैं। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर है, यहाँ पे कितना ग्रीन है बैंगलोर। और यहाँ निकल चुकी मैं अपना फ़िल्टर कॉफ़ी पी रही बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने। मेरा फेवरेट फ़िल्टर कॉफ़ी है, फ़िल्टर कॉफ़ी आई लव ब्लू कॉफ़ी, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है फ़िल्टर कॉफ़ी, कहीं आपको नहीं मिलेगा। और मैंने बोला अच्छा टेस्टी लग रहा है, तो वही चलते हैं। और फिर से आ गया मंदिर। आप देख सकते हैं कितना प्यारा डेकोरेट किया गया मंदिर का। और आप अभी एक क्यूट से डॉग को देख रहे हैं, कितने प्यार से बैठा हुआ है, देख रहे हैं। तो मैंने इसे भी शूट कर लिया। और ये देखिए डेकोरेशन, भीड़ कितनी ज़्यादा है मंदिर में। सो यहाँ निकल चुके हैं बैंगलोर की गलियों में। सो लेट्स गो। ये है मैकडी। डोमिनोज। ये रहा वाओ मोमोज। और ये रहा फ्रेंड्स कैफे, जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अंटिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।